माई चैनल। आज हम बनाएंगे बर्मा गुलाब जामुन। बर्मा गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी ली है और एक गिलास मैंने दूध लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी को हम गर्म होने देते हैं। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक गिलास दूध डाल देंगे। दूध को भी हम गर्म होने देंगे। अब दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। दूध को हमने उबालना नहीं है, इसको हम बस हमने गर्म ही करना है। तो सूजी को डाल देंगे पहले हम। अब इसको हम चलाते हुए एक डोसा तैयार कर लेंगे इसका। अब हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब डो को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम फैला लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। फिर इसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ी कटोरी चीनी ली है। ढाई गिलास पानी डाला है। अब चीनी को हम इसमें डाल देंगे। अब चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाए ऐसे ही बनानी है। तो अब इसको हम उबलने देते हैं। अब हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। अब इसको हम कम गैस पे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको हमने थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। तो अब इसको हम पकने देते हैं थोड़ा। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्टफिंग बनाने के लिए काजू लिए, बादाम, नारियल का बुरादा लिया है और एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मैंने काजू और बादाम को कूट लिया है। इसको मैंने देखिए बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा दरदराई से को हमने पीसना है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। कटोरी लिए, अब इसमें हम बादाम डाल देंगे, काजू भी डाल देंगे और मिल्क पाउडर भी, नारियल का बुरादा भी। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। एक एक चम्मच हम दूध डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। हमने एकदम से सारा दूध नहीं डालना, तो एक एक चम्मच हम डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम एक चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो स्टफिंग बनाई थी उसके हम गोले तैयार कर लेते हैं। ये देखो, हमने सारे गोले तैयार कर लिए। अब हम सूजी को भी चेक कर लेते हैं। अब हमारी सूजी है जो ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से गून लेते हैं। अब हमने सूजी को अच्छी तरह से गून लिए। अब इसके हम गुलाब जामुन बनाते हैं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक कटोरी तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। अब इसको हम गुलाब जामुन बना लेंगे। देखिए हमने एक गुलाब जामुन बना लिए। अब हम सारे गुलाब जामुन ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। अब हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में घी लिया है। घी को हम कम गैस पर गर्म होने देंगे। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम
एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे। और अभी इसको हमने हिलाना नहीं है, थोड़े से पक जाएंगे जब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुनों को 1 मिनट हो चुका है, अब इनको हमने पलटना नहीं है, अब इनको हम बस इस तरह से हिलाएंगे, जो हमारी सूजी है जो नीचे चिपके ना, इसको हम इस तरह से ही धीरे धीरे से हिलाएंगे। हमारे गुलाब जामुन है जो थोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब गैस को हम तेज कर लिए, अब इसको हम तेज गैस पे फ्राई करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे जो अच्छी तरह से हमारे पक जाएं। इनको हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे, तो अब इनको हम थोड़ा पकने देंगे। हमारे गुलाब जामुन जो फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं और इनको हम चाशनी में डाल देंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, जब इसको हम चाशनी में डालेंगे। अब हमारे गुलाब जामुन है जो ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। अब इनको हम थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसको चाशनी में ही रखेंगे। अब इनको हम ढक के रख देते हैं और आधे घंटे के लिए हम इसमें इसको हम चाशनी में डुबो के रखेंगे। अब हमारे गुलाब जामुनों को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जो बिल्कुल सेट हो चुके हैं, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे गुलाब जामुन। ये देखिए हमारे भरवा गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।